वाकया है ना, एक आदमी की 1 अरब रुपए की लॉटरी निकल गई। तो जिस कंपनी के यहाँ उसने कुरंदाजी की थी, लॉटरी निकली थी, तो माहिर नफ्सियात से उस कंपनी ने रब्ता किया, एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर से, कि तुम अगर इसको अभी जाके बताओगे तुम्हारी 1 अरब की लॉटरी निकली है, कहीं खुशी से मर न जाइए, तो इसको आराम आराम से ना माहिर नफ्सियात को भेजा, आराम आराम से इसको समझाना, बड़े आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा, पहले 10 लाख, फिर होते होते ना, ताकि एकदम खुशी ना हो, मरे नहीं। तो वो माहिर नफ्सियात डॉक्टर चला गया और कहने लगा, हाँ वही वसीम भाई, फर्ज करो तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी निकल आए, क्या करोगे? कहा बहुत खुश हूँगा, ये करो, फर्ज करो 20 लाख की निकल आए, फिर क्या होगा? अभी फर्जी पर ला रहा है 1 अरब तक। तो अब वो भी फर्जी समझ रहा है ना, उसको थोड़ी पता था कि हकीकत में ऐसा है। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता 1 अरब पे ले आया, कह रहा है यार फर्ज करो 1 अरब की लॉटरी निकली तो क्या करोगे? उसने कहा आधी तुम्हें दे दूंगा। वो मर गया। ये सुन के मायरे नफ्सियात मर गए। समझ रहे? तो उनको तो ये जवाब की तवक्को ही नहीं थी ना कि आधे मुझे दे देगा। मायरे नफ्सियात मर गया खुशी से। तो हमारे यहाँ किसी गरीब को ये बबताया जाए कि बेरोजगारों को $3,000 फ्री में मिलेंगे, वो खुशी से मरेगा कि नहीं मरेगा? तो बाद लोगों को मिल रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट ने जब उनको दिए तो वो उन्होंने नशे में, शराब में उड़ाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ किसी गरीब को 3,000 मिले हैं, हमारे यहाँ भी नशे ही हैं होलसेल के हिसाब से, जर्सी भी मिलेंगे मार्केट में आपको, हीरोइन भी मिलेंगे, लेकिन जितनी हीरोइन और चर्स हमारे यहाँ इसका वसूल आसान है, इतनी उनके मुल्कों में आसान हो जाए तो 99% लोग चर्स पीना शुरू कर दें वहाँ पे। हमारे यहाँ अगर चर्स या हीरोइन का रेशो इतना कम है तो कानून की वजह से नहीं, उसमें कानून का भी दखल है, असल वजह क्या है? इस्लाम। मैं ये वाकया कई लोगों को बता चुका हूं कि हमारे यहां जिन लोगों का काम है ना चर्स पे पाबंदी, अभी ये वाकया सुनेंगे तो मजा आएगा। मैंने इस दफा 40 बछड़े खरीदे कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, बिजनेस के नुक्ता नज़र से, और भी लोगों का इश्तराक था, हम लेकर आए बछड़े तो हम तो बछड़े पाल नहीं सकते, भागलपुर से मैंने 40 बछड़े खरीदे, तो बंदा भी हमने कहा चलो वहीं से ले आते हैं, जब बछड़े आ सकते हैं तो बंदा नहीं आ सकता, एक हम रेंट पे आदमी भी ले आए उनको पालने के लिए, बछड़े ला के बांधे, कोई ज़मीन किराए पर ली, बछड़े ला के बांधे, वो बंदा भी वहाँ रखा, भाई तू इनकी खबरगिरी करेगा तुझे इतना कमीशन हम देंगे, तो कमीशन में इसलिए नहीं बता सकता कि ऐसा ना हो कि फिर वो रेट ख़राब हो जाए ना, तो भाई तुझे इतना कमीशन हम देंगे। वो बंदा काम ही नहीं करके दे रहा, ना जानवरों को चारा डाल रहा है, ना उनकी सफाई का ख्याल कर रहा है। मैंने लड़कों से पूछा, यार जाओ इसको बोलो कि कुछ जानवरों का ख्याल करे, तुम्हें पैसे दे रहे हैं हम फ्री में थोड़ी। उसने कहा यार मैं चर्स पीने का आदी हूँ, मुफ्ती साहब से बोलो मेरे लिए कहीं से चर्स का इंतजाम करें। अभी अभी मजा अभी आएगा आगे। अभी ये तो ऐसे ही है। मैंने कहा यार मैं, मुफ्ती साहब भी बोल रहा है मुझे, और इसके लिए मैं क्या करूं? चर्च में। मैंने कहा भाई हम तो नहीं करेंगे इसके लिए चर्च का इंतजाम। हमने उसको निकाल दिया। अब वो बेचारा परेशान कि चर्च कहीं, तो किसी ने बताया कि थाने से मिलेगी। पता नहीं भाई पुलिस वाले बैठे हो, माजरत सही का गलत का, लेकिन बहुत से लोगों से तफ्तीश की है तो सबने एक ही बात बताई कि कहीं भी नहीं मिल रही हो तो कहाँ मिलेगी? थाने। अब अंदाजा लगाओ यार, जिस मुल्क में थाने से चर्स मिलती हो उसमें तो 99% लोगों को चर्सी होना चाहिए ना, फिर भी नहीं है। क्यों? इस्लाम है, इस्लाम रोक रहा है, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस बुराई से किस चीज ने रोका हुआ है? इस्लाम ने। नशा दुनिया में जितने हादसात नशे से होते हैं ना, इतने किसी और वजह से नहीं होते। तो मैं लोगों से एक बात कहता हूं, यार हमारे हुक्मरान 1 हफ्ते के लिए उनको दे दो, गोरों को, उनके 1 हफ्ते के लिए हमें दे दो, हम उनसे आगे ना निकल के दिखाएं तो हमारा नाम बदल देना, और वो हमसे 100 साल पीछे ना हो जाएं तो हमारा नाम बदल देना।